तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खास ट्रिक लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो उससे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो और इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया हो, जाइए वहाँ से जल्दी से हमें को फॉलो कर लीजिए। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं कुछ इस टाइप का फोटो है, ठीक है ना, इसी फोटो को एडिट करके दिखाऊंगा, स्मूथ करके दिखाऊंगा, सारा काम ऑटोडेस्क से करेंगे। और सबसे खास बात, आप लोग फोटो का बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो आपका फोटो का क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, क्वालिटी कम हो जाता है तो आप लोगों को रेमिनी एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि अपना हेयर वेयर खराब हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं वो सारा चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, सारा काम ऑटोडेस्क एप्लीकेशन से करने वाला हूँ। ऑटोडेस्क एप्लीकेशन से एडिटिंग जो भी मैं करता हूँ, उस वीडियो पे आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, अच्छा वीडियो देख रहे हो सब, तो इसलिए मैं यही वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि ऑटोडेस्क से इसमें सारा चीज़ बताऊँगा आप लोगों को डिटेल में। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बैकग्राउंड ले लेना है, कोई भी बैकग्राउंड आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है, ठीक है ना। और बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का रहेगा कि एकदम HD क्वालिटी में होना चाहिए, जैसे कि ये है। अगर बैकग्राउंड आपका HD क्वालिटी में नहीं है, बैकग्राउंड फटा हुआ है, तो उसको आप लोग पिक्सआर्ट में डाल के, चाहे कोई भी अदर एप्लीकेशन में डाल के उस बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। हल्का ब्लर कर देंगे तो बैकग्राउंड का क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हम इस बैकग्राउंड को शेयर करेंगे सिंपली अपने ऑटोडेस्क में। ध्यान से देखिए, यहाँ से बिल्कुल भी फोटो का क्वालिटी कम नहीं होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो शायद आप लोगों को मिलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा सर्च करोगे नहीं मिलेगा। तो देखिए, अभी फाइनली ऑटोडेस्क में हमारा फोटो ओपन हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की कोने में एक ऑप्शन सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस टाइप का ये ऑप्शन है, ठीक है, इस पर हमको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करते ही देख सकते हैं इसमें बीच में एक है इंपोर्ट इमेज, यहीं से हम किसी भी फोटो को ऐड करते हैं, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारा फाइल ओपन हो गया। तो फिर यहाँ से ये वाला फोटो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये वाला फोटो हमको ले लेना है, जिसको मैं ऑलरेडी कटआउट करके रखा हूँ, ठीक है ना। तो फोटो को देख सकते हैं एकदम अच्छे से बैकग्राउंड पे फिट हो चुका है, इतना पे हमको इसको एडजस्ट करना है, उसके बाद से सिंपली कर लेंगे डन। देख सकते हैं फोटो का बैकग्राउंड एकदम अच्छे से डन हो चुका है, एकदम बैकग्राउंड पे फिट बैठ रहा है। अगर HD क्वालिटी में आप लोग दिखाना चाहते हैं तो देखिए, जैसा फोटो है वैसे बैकग्राउंड को भी कलर मैच खोजना पड़ता है, अगर नहीं मिले तो उसको कलर रिटच करना पड़ता है। अभी इस फोटो में देख सकते हैं बिल्कुल भी क्वालिटी कम नहीं हुआ है, और हम इसी एप्लीकेशन में इस फोटो को करेंगे स्मूथ, और एक एक स्टेप आप लोगों को पूरा से पूरा दिखाएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा वीडियो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं स्मूथ करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं स्मूथ भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को जो ये हेयर वाला प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अगर ये लोग चाहें तो आप लोग लाइटरूम में डाल के इसका कलर वगैरह डाउन करके भी सही कर सकते हैं। अगर आप लोग हेयर एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये वाला ब्रश ले लेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग पे जाएंगे, और सेटिंग पे जाने के बाद इसका हमको सबसे पहले फ्लो बढ़ा लेना है, 45 तक रखेंगे, और इसको भी इसको थोड़ा सा कम रखना है, 35 मान लीजिए, और इसका साइज हमको रखना है 6 या 7, ठीक है। अब हम लोग चाहे तो यहाँ से अपना हेयर भी एडिटिंग कर सकते हैं, साइज़ को अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, और अगर चाहे तो आप लोग आसानी से यहाँ से हेयर एडिटिंग भी साइज़ बढ़ा के ऐसे हेयर को भी आराम से एडिट कर सकते हैं। देखिए कैसे हेयर बन रहा है, ठीक है। तो CV एडिटिंग में जो हेयर होता है, या तो अलग से लगाया जाता है, और या तो यहीं से ऐसे ड्रॉ करके एक एक बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑटोडेस्क का वीडियो है, ऑटोडेस्क का मैं वीडियो उतना बनाता नहीं हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़्यादातर ऑटोडेस्क का ही वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग हेयर आसानी से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। देख सकते हैं हेयर पूरा एकदम CV जैसे बन रहा है, तो बन जाएगा। इसके बाद से इसमें टूल वीज एक बार यूज़ करेंगे, टूल वाइज एप्लीकेशन, जो कि ऑयल पेंट यूज होता है हेयर में, उसको आप अगर एक बार यूज़ कर लेते हैं इस फोटो में, तो ये फोटो और भी अच्छा दिखने लगेगा। देख सकते हैं हेयर इसका बन गया है। तो हमको हेयर पे वर्क नहीं करना है फिलहाल में, जैसे हेयर है वैसे ही हमको छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो हेयर एडिटिंग फिलहाल में अभी हम छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी फेस स्मूथ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले हमको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देख सकते हैं इधर कोने में लाइब्रेरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, और इस पर इतना सारा ब्रश मिल जाता है जिससे स्मूथ होता है फोटो। तो हम इसमें मान लीजिए इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला ब्रश लेंगे, और सेम इसी ब्रश से हम हेयर भी एडिटिंग किए हैं, इस फेस भी स्मूथ करेंगे। अलग अलग हेयर के लिए आप लोग अलग यूज़ करते होंगे, लेकिन मैं यहीं पर इसी ब्रश से करने वाला हूँ। तो इसका फ्लो मैं रख लूँगा
तीन पे रखूँगा, और इसको इसका जो स्ट्रेंथ है इसको हम रखेंगे 5 तक, और साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और फोटो को करेंगे जूम। ध्यान से देखिएगा और फोटो को ऐसे करके अच्छे से एकदम स्मूथ कर लेंगे। देखिए कितना अच्छे से हो रहा है। अभी थोड़ा सा स्मूथ करके हम दिखा देते हैं आप लोगों को। तो देखिए अभी स्मूथ हो रहा है। मैं एक भी इसमें स्किप नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि आप अच्छा समझाते हैं। अगर जिसको समझ में ना आता होगा प्लीज़ यार कमेंट करना। आप लोग कमेंट करते हैं तभी तो मैं अपनी गलती भी देखूंगा। अगर मेरे से भी कोई गलती होता है तो आप बता दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे स्मूथ करना है। ध्यान से देखिए एकदम, एक एक स्टेप मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। बस अगर आप लोग भी अच्छा एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो बस ऐसे वीडियो में बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत ही खास टॉपिक पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसी वीडियो को आप लोग देखिए। नेक्स्ट वीडियो के बारे में इसी वीडियो में अभी आप लोगों को बताता हूँ। पहले आप लोग स्मूथ पे ध्यान दीजिए, कैसे कैसे स्मूथ करते हैं। तो ये जो साइज़ को अपने हिसाब से कर लेना है, और छोटा या बड़ा, मान लीजिए अब यहाँ पे हमको स्मूथ करना है, तो यहाँ पे हम साइज़ अगर बड़ा रखेंगे ना तो इधर उधर अच्छा नहीं होगा, इधर उधर ब्रश का चल जाएगा फिर बेकार लगेगा। तो इसका साइज़ हम लोग करेंगे छोटा, 18 तक रखेंगे, और यहाँ पे अच्छे से जितना कोने में स्मूथ करना होगा आप लोग कर सकते हैं आसानी से। तो बस जो है आप ब्रश का साइज अपने हिसाब से चलाइए, अगर बढ़ा देंगे ब्रश का साइज ज़्यादा तो आपका फोटो अच्छे से स्मूथ हो नहीं पाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को नोटिस करना है, अगर ये चीज़ ध्यान देते हैं तो आपका फ़ोटो एकदम परफेक्ट बनेगा, एकदम जैसे चाहिए वैसे, फिर आप लोग बोल नहीं पाओगे। तो देखिए मैं इसका साइज और बड़ा कर देता हूँ, और इस साइड का भी स्मूथ कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी का काम आप लोग दूसरे एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, सब इसी में हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी एक चीज़ है, मान लीजिए लेंस लगाना है, तो लेंस के लिए अलग एक एप्लीकेशन दिया है, तो उसका खासियत रहता है ना, मान लीजिए उसमें एक ही काम होगा लेंस लगेगा। तो इसीलिए हम हर एक चीज़ का अलग अलग एप्लीकेशन यूज करते हैं, ताकि हम भी अच्छे से कर सकें, हम अपने फ़ोटो को अच्छे से बना सकें। अब मान लीजिए मोबाइल का कैमरा कितना भी आएगा, मैं डेमो बता रहा हूँ आप लोगों को समझिएगा, अब मोबाइल का कैमरा कितना भी आएगा तो अब DSLR जैसे तो नहीं आएगा। कैमरा ही होता है, मान लीजिए उसमें 50,000-60,000 लग रहा है सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए, और मोबाइल में सारा काम होता है, बस वैसे ही ये एप्लीकेशन है, ठीक है। इस अगर कोई एक एप्लीकेशन से परफेक्ट काम कोई भी एक होता है तो उसी से होगा, अगर दूसरे एप्लीकेशन से भी करेंगे तो होगा, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप लोग सोचते हो कि एक ही एप्लीकेशन में पूरा कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो गाइज मैं यहाँ पे स्मूथ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, और ताकि आप लोगों को समझ में आए, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं स्मूथ करता हूँ, आधा आधा घंटे का टाइम ले लेता हूँ एक एक फ़ोटो को स्मूथ करने के लिए, बहुत टाइम लगता है। तो देख सकते हैं अभी हमारा फ़ोटो बहुत अच्छे से स्मूथ हो रहा है। देखिए अभी फेस पे हल्का सा स्मूथ किया है, पूरा नहीं किया है, अभी पूरा करने के बाद कुछ अलग ही दिखाई देगा। तो मैं पूरा कर लेता हूँ, वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो एकदम अच्छे से स्मूथ हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी ये फोटो बहुत ही अच्छा दिख रहा है देखने में, ठीक है, एकदम अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अभी बाकी का काम इस फोटो में हम दूसरे एप्लीकेशन में करेंगे। तो अभी यहाँ से हमको फोटो को सबसे पहले शेयर कर लेना है अपने फोटो को स्नैपशीट में। ध्यान से देखिएगा, स्नैपशीट में शेयर कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही खास आने वाला है, जो कि मैं बताने वाला हूँ उस वीडियो के लास्ट में। तो मैं बता रहा हूँ, तो वो वीडियो ये रहेगा कि मैं आप लोगों को 3-4 तरीके बताऊँगा एक ही फ़ोटो को कटआउट करने का HD क्वालिटी में, कैसे आप लोग कटआउट कर सकते हैं और फोटो का बिल्कुल भी क्वालिटी कम नहीं होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए रेडी रहिएगा। वही टाइमिंग रहेगा, शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड करेंगे, तो बस आप लोग वेट कीजिए, बहुत ही जल्द वो वाला वीडियो आने वाला है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट को इंक्रीज़ कर लूँगा, लाइट का कमी दिख रहा था हमको, तो यहाँ पे लाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया। अपने फेस पे भी अगर चाहे तो थोड़ा सा आप लोग लाइट बढ़ा सकते हैं, अगर आप लोग को ज़्यादा गोरा पसंद होगा तो आप लोग यहाँ से लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। डन करेंगे अभी इस फोटो को, देख सकते हैं CV एडिट हमको करना है इस फोटो को। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे यही CV एडिटिंग में यूज होता है, डिटेल पे क्लिक करेंगे और इसका हम लोग स्ट्रक्चर और शार्पनिंग दोनों को बढ़ाएंगे, डन करेंगे, और उसके बाद से हम लोग व्यू एडिट पे जाके यहाँ से और डिटेल पे ऊपर अपने हेयर पे डिटेलिंग रख लेंगे, ठीक है, हेयर पे रखेंगे और अपने कपड़े पे रख लेते हैं, ताकि कपड़े पे थोड़ा चमक आ जाएगा, ठीक है। तो
ये चीज़ होता है इसमें, ब्लैक कलर है, उसे उतना अच्छा भी नहीं लगेगा सीन एडिटिंग, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं थोड़ा सा, बस आप लोगों को दिखाने के लिए। तो HDR इफेक्ट में हम यहाँ से क्लिक किए हीलिंग पे, सॉरी हीलिंग पे क्लिक हो गया था, यहाँ पे HDR एक इफेक्ट होगा, HDR स्केप, इस पर क्लिक करते हैं। ये भी सीन एडिटिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसको भी थोड़ा सा कम ही रखेंगे, सेचुरेशन जो है इसको कम ही रखेंगे, ठीक है। डन करेंगे, फिर से इसी ऑप्शन पे जाएंगे, HDR पे जाएंगे और फिर से अपने कपड़े पे ऐसे ब्रश चला लेंगे, ठीक है। फिर डन करेंगे, फिर सिलेक्टिव टूल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे जाके इसका कंट्रास्ट जो है इसको बढ़ाना है, स्ट्रक्चर इसको भी थोड़ा सा कम करना है, जैसे कि सीबी जैसा डिटेल आ जाएगा आपके कपड़े में, चमक आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए बिफोर एंड आफ्टर, तो अभी हमारा फोटो कुछ इस टाइप का। अगर आप लोग चाहें तो इस फोटो को लाइट रूम में डाल के भी थोड़ा सा इसको स्मूथ कर सकते हैं, मतलब स्मूथ कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छा लगने के लिए इस फोटो को, तो हम वो भी करके देख लेते हैं। लाइट रूम में फोटो को भेज रहे हैं, लाइट रूम में फोटो अभी एक्सपोर्ट होगा, शेयर हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हम एड टू लाइट रूम कर दिए, फोटो अभी हमारा लाइट रूम एप्लीकेशन में शेयर हो गया, ठीक है। अब ओपन करते हैं अपना लाइट रूम एप्लीकेशन और देखते हैं वो वाला फोटो इसमें आया है कि नहीं। सो फाइनली गाइज, आप लोग देखेंगे हमारा फोटो इंपोर्ट हो चुका है। तो इसमें जाने के बाद सबसे पहले हमको नीचे का वाइट और ब्लैक इसको थोड़ा सा कम रखेंगे, जिससे कि हमारा फोटो और भी ज़्यादा डार्क होगा तो और भी ज़्यादा देखने में अच्छा दिखेगा, ठीक है। और इसको, इसका जो शैडो है इसको हम 59 रखेंगे। उसके बाद से चलेंगे फिर से कलर वाले ऑप्शन में, मिक्स टूल में जाएंगे, ऑरेंज को सेलेक्ट करेंगे, ये वाला ऑरेंज टोन जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, और इसका सेचुरेशन हल्का सा कम करेंगे, लुमियंस को बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा फेस हो जाएगा और भी ज़्यादा वाइट, तो और लुक अच्छा दिखेगा फोटो में। और यहाँ से अपने लिप्स को कलर करेंगे, क्योंकि सी बी डी टी में लिप्स ज़्यादा डार्क ही रहता है कलर में, तो अच्छा लगता है। और इसमें येलो कलर एकदम नहीं रखेंगे, इसको 100% माइनस रखेंगे और इसका लुमियंस हम बढ़ाएंगे, तो देख सकते हैं फोटो और भी अच्छा लग रहा है पहले से, बिफोर एंड आफ्टर। ग्रीन इफेक्ट को कम करेंगे, ब्लू इसमें जो ये जो ब्लू वाला है इसको भी हम कम रखेंगे, जिससे कि बैकग्राउंड और मेरा कपड़ा सारा चीज़ एकदम शार्प दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इस टाइप का फ़ोटो आप लोग आसानी से एडिट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी स्टेप में मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। और यहाँ से शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, डिटेल को 100% बढ़ा लेंगे और नॉइज रिडक्शन इसको बढ़ाएंगे, तो फेस थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा, तो और भी अच्छा दिखेगा, तो इसको हम बढ़ा लिए। और कलर नॉइज रिडक्शन इसको हम कम से कम 42 तक बढ़ाएंगे और डिटेल स्मूथनेस दोनों को फुल रखेंगे और इसको इनेबल कर लेंगे। तो देख सकते हैं अभी हमारा फोटो एक अलग ही लुक दे रहा है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस गाइज, यही था आज का एक छोटा सा वीडियो। तो गाइज, ऐसा करता हूँ आप लोगों को वीडियो का भी ज़रा पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।